press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. धमाल तो होगा ही, जहाँ मीका होता है वहाँ धमाल होता है, लेकिन मेरे लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल एक भाई की तरह है। ही इज़ वन ऑफ द लवलीस्ट गाइज यू मेट। बड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं उनके बारे में, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत हैं उससे, बिल्कुल यारों के यार हैं। एंड आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, ऐसे ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो उनको अलग करती है दूसरे सिंगर्स से? बहुत हम्बल है उनका जो एटीट्यूड है, वो लोगों को ये लगता है कि बहुत एरोगेंट हैं और बहुत ऐसे स्ट्रट अराउंड करते हैं, वैसे हैं नहीं। असलियत में क्या है कि वो जहाँ से आए हैं, जितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट सिंगर्स में से माने जाते हैं, आई थिंक ही इज़ मोर ही शाई, सो ही डजंट शो हिज रियल सेल्फ। तो कभी कभी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से आया हूँ, और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो एक परसोना लेके जाते हैं, ये परसोना उनका है, लेकिन असलियत में बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट है। और आप मानेंगे नहीं, मैं हम लोग अभी शूटिंग कर रहे थे, गुप्ता साहब, मैं, गुलशन सर, जॉन, इमरान, हम लोग वो ख़त्म करने के बाद भी यहाँ आए हैं बिकॉज ऑफ मीका। ओके, लास्टली एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए आज के दिन मीका जी को, कौन सा?